इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर के साथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मध्य प्रदेश में ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर आज सुनवाई होनी है। एमपी में ओबीसी को 27% आरक्षण पर आज सुनवाई होगी। सरकार की तरफ से सीनियर एडवोकेट पैरवी करेंगे। हाईकोर्ट आरक्षण मामले में आज फैसला दे सकता है। सरकार की तरफ सीनियर एडवोकेट पैरवी करेंगे। प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण को लेकर आज सुनवाई है। हालांकि हाईकोर्ट ने पहले भी ये आवेदन दे चुके हैं कि आज की सुनवाई फाइनल सुनवाई हो, यानी कि आज कोई फैसला लिया जाए। चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर जी लगातार बने हुए हैं। अंकुर जी, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर लगातार पहले सियासत भी देखी गई, कई मामले देखे गए कि 27% आरक्षण को लेकर विपक्ष भी हमलावर होता दिखाई दिया। आज महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, आज कोई फैसला लिया जा सकता है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? जी अंकुर जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो हाईकोर्ट आरक्षण मामले में आज फैसला सुना सकता है। 27% ओबीसी आरक्षण मामले में आज सुनवाई है, महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है आज, जिसको लेकर आज फैसला किया जा सकता है। तो सरकार की तरफ सीनियर एडवोकेट पैरवी करेंगे। आपको बता दें कि आज की सुनवाई फाइनल सुनवाई हो, ऐसे सरकार पहले हाईकोर्ट में आवेदन दे चुकी है। आज आरक्षण मामले में सुनवाई होनी है। ओबीसी वर्ग आरक्षण दिलाने को लेकर सरकार की तरफ बड़े एडवोकेट पक्ष रखेंगे। तो सरकार की तरफ सीनियर एडवोकेट अपना पक्ष रखेंगे। पहले भी 27% आरक्षण को लेकर सियासत देखी जा चुकी है। विपक्ष भी सत्ता में बैठी सरकार पर हमलावर होता दिखाई दिया। आज सुनवाई होनी है इस मामले को लेकर और तमाम निर्णय आज लिए जाएंगे, आज फैसला लिया जा सकता है आरक्षण को लेकर। तो सरकार की तरफ सीनियर एडवोकेट पैरवी रखेंगे। हाईकोर्ट आरक्षण मामले में फैसला सुना सकता है आज। चलिए अंकुर जी हमारे साथ फिर से जुड़ चुके हैं। अंकुर जी, आज 27% ओबीसी को आरक्षण मामले में सुनवाई होनी है, कितना क्या कुछ अधिक जानकारी है, क्योंकि पहले भी सियासत देखी जा चुकी है, विपक्ष भी हमलावर हो चुका है इस मामले को लेकर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ओबीसी आरक्षण को लेकर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है। निश्चित तौर पर पिछले दिनों जिस तरह से देखा गया था, दिल्ली में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर बैठक बुलाई थी, जो दिल्ली के जो बड़े एडवोकेट हैं उनको इस मामले के लिए नियुक्त किया गया था। निश्चित तौर पर चाहे वो तुषार मेहता हो, चाहे पुष्पेंद्र कौरव हो, महाधिवक्ता, चाहे तमाम लोग हों, इन लोगों के द्वारा अब आज पक्ष रखा जाएगा। हाईकोर्ट में जो बड़े वकील हैं सरकार के, उनके द्वारा सरकार का पक्ष रखाया जाएगा। कोशिश सरकार की यही है कि आज 1 सितंबर से जो सुनवाई होने वाली है तो आज ही फैसला आ जाए। निश्चित तौर पर ओबीसी आरक्षण को लेकर जिस तरह से पूरे मध्य प्रदेश में कई महीनों से सियासत गरमाई है, तो उसको लेकर सरकार का ये प्रयास है कि 27% आरक्षण को लेकर जल्द से जल्द फैसला आ जाए और ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिल जाए। निश्चित तौर पर सरकार का प्रयास है। लगातार विपक्ष के द्वारा भी जिस तरह से हमला किया गया था कि कांग्रेस की सरकार तो चाहती है, कांग्रेस की सरकार ही
20% आरक्षण लाई थी, लेकिन सत्ता पक्ष में बैठी भाजपा नहीं चाहती, क्योंकि मध्य प्रदेश की जो आबादी है 51% ओबीसी मतलब पिछड़ा वर्ग है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां चाहती है कि वो उन्हें साथ नहीं मिलेंगे। ऐसे में भाजपा में जो सरकार है भाजपा की, वह भी नहीं चाहेगी कि ओबीसी को 27% आरक्षण ना मिले। अगर ऐसा होता है तो ओबीसी वर्ग नाराज हो जाएगा। निश्चित तौर पर पिछली बार जब जो फैसला आया था तो 27% की जगह 14% आरक्षण ओबीसी के लिए कर दिया गया था, 13% सुरक्षित रखा गया था। अब आज जब मध्य प्रदेश शासन के द्वारा इस मामले में बड़े वकील जब खड़े होंगे, मामले की सुनवाई होगी, तो देखना होगा कि मध्य ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण मिल पाता है या नहीं। जी बिल्कुल अंकुर जी, आप बने रहिए, आपके पास फिर लौटेंगे। तो आज सुनवाई होनी है आरक्षण मामले को लेकर। पहले भी विपक्ष हमलावर हो चुका है कि सरकार नहीं चाहती, सत्ता में बैठी सरकार का ये नहीं चाहती है कि ओबीसी को 27% आरक्षण मिले। वहीं सीएम का भी कहना है अब कि वो चाहते हैं कि आरक्षण मिले। आज सुनवाई होनी है, लेकिन क्या कुछ फैसला होगा ये आगे देखना।